हेलो एवरीवन, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे एक पावरफुल टेक्निक के बारे में एज पर एज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इज कंसिडर एंड द नेम इज डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉल कर सकते हैं TFT। अब अगर आपको याद होगा, इन सिग्नल एंड सिस्टम सीरीज ऑफ लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अनदर पावरफुल टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज DTFT, विच सिंपली स्टैंड्स फॉर डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। इन दैट केस हमने एक नॉन पीरियडिक सिग्नल को, जो भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था DTFT के फॉर्म में। अब हम बात करेंगे उसके एक्सटेंशन के, जो हो सकता है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं, क्या होता है DFT। सो बेसिकली DFT इज ए पावरफुल कंप्यूटेशनल टूल विच अलाउज अस टू इवेलुएट द फोरियर ट्रांसफॉर्म x e raised to j omega ऑन डिजिटल कंप्यूटर्स, और वी कैन से दैट ऑन अ हार्डवेयर सिस्टम। So basically, in order to compute the Fourier transform, we can use this particular concept. अब DTFT और DFT में difference क्या होता है? जैसे कि unlike DTFT, which is defined for finite and infinite sequence. So if you remember the formula that we have been represented, DTFT techniques can be used for finite as well as infinite sequences, having the range of terms from minus to plus infinity. Or in some case, we can compute it from 0 to n minus 1. So this is for infinite and this is for finite. But DFT is defined only for finite length sequences. So this is the basic difference between using discrete Fourier transform and using discrete time Fourier transform. अब हम बात करेंगे discrete Fourier transform के बारे में कि किस तरह से हम, अगर एक sequence x of n के form में है, तो उसका discrete फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो सकता है, या फिर उसका इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन के साथ, दैट इज टू डिफाइन डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसके लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे दैट वी हैव ए नॉन पीरियडिक सिग्नल, और उसका हम फाइंड करेंगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। वंस यू अंडरस्टूड डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हम रियलाइज करेंगे उसको DFT के फॉर्म में। So let us understand this by taking a signal x of n which is non-periodic. Now if you know this quite easily, that if a signal is non-periodic in nature, maybe continuous or discrete, it can be represented using Fourier transform techniques. So hum le sakte hai, let us take discrete time Fourier transform of x of n. तो ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर x e raised to j omega will be equal to summation from minus to plus infinity, our original signal as x of n into e raised to minus j omega n. ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर discrete time Fourier transform. अब हम इस नॉन पीरियडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ पीरियडिक सिग्नल। तो उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे दैट द गिवन सिग्नल एक्स ऑफ एन नॉन कंसिडर किया है। तो मैं यहां पर उसको लिखता हूं कुछ इस तरह से, लेट अस अज्यूम दैट इट इज डिफाइंड ओनली फॉर थ्री सिक्वेंसेस, लेट 0, 1 and 2 हैविंग द एम्पलीट्यूड एज 1. सो एज पर एज दिस सिग्नल और दिस सिक्वेंस इज कंसिडर, वन थिंग इज श्योर, दिस इज नॉन पीरियडिक. Why non-periodic? Because from here onwards we don't have any signals, and here the amplitudes are zero, so it is not repeating itself after a certain interval of time. तो उसको हम क्या कर सकते हैं? I can represent the same set of sequence in terms of periodic form. Like, let's suppose this is 0, this is 1, and this is for 2. The amplitudes are 1. Now, if I add a certain amount of delay in this particular sequence, to the left or to the right, maybe it will show the repeticity. किस तरह से? Assume कीजिए हमारे पास जो number of samples है वो कुछ 4 है. अगर मैं 4 को इसमें add करता हूँ starting from 0, so 0 plus 4 will be 4, यानी कि amplitude 1 हो सकता है sample 4 के लिए. Similarly 1 के बीच में add करते हैं तो हो जाएगा 5, और 2 के बीच में add करते हैं तो हो जाएगा 6, यानी कि 4 by 6 को amplitude 1 आ गया. उसी तरह से अगर मैं
4 को यहां से सब्सट्रैक्ट करता हूं तो वी विल गेट अ सीक्वेंस टू द लेफ्ट साइड. अब देखिए 0 1 2 को एम्पलीट्यूड है 1 1 1, 3 के लिए एम्पलीट्यूड डेफिनेटली 0 है, बाद में 4 5 6 के लिए एम्पलीट्यूड 1 1 है, तो 7 के लिए एम्पलीट्यूड आ जाएगा 0 बिकॉज 3 प्लस 4 इज गोइंग टू बी 7. सो द सिग्नल इज शोइंग द रिपीटिविटी, दैट मींस वी कैन रिप्रेजेंट अ नॉन पीरियडिक सिग्नल इनटू पीरियडिक प्रोवाइडेड दैट वी हैव टू ऐड सर्टेन अमाउंट ऑफ डिले और इट शोज द रिपीटिविटी आफ्टर एन नंबर ऑफ सैंपल्स, यहां पर वो 4 हो सकता है. तो उस बिहाफ पे हम एज्यूम करेंगे दैट वी आर टेकिंग एन इक्विडिस्टेंस सैंपल्स. सो सिंपली आई एम राइटिंग वी विल टेक एन इक्विडिस्टेंस सैंपल्स इन द इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 to 2 pi, which shows only the repeticity, जो हमने इसको typically consider किया है. तो हम इसको equation 1 के form में represent करेंगे. तो equation 1 हो सकता है हमारे पास x of 2 pi by n into k. Why 2 pi by n? Because the signal is repeating itself after 2 pi seconds and the number of samples are going to be n. तो हमने उसको sampling के form में लिखा है 2 pi by n into k. और ये formula जो है वो उसी तरह से लिखेंगे हम एक्स ऑफ एन, ओनली फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हम रिप्लेस करेंगे. तो यहां पर जो ओमेगा है वो भी रिप्लेस हो जाएगा 2 पाई बाय एन के इनटू एन. ये मिलता है इक्वेशन नंबर सेकंड को. अब इक्वेशन नंबर सेकंड को हम थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे. एक्सपांड कैसे करेंगे? यहां पर जो लिमिट है वो दिया है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसको हम कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि नेगेटिव सेगमेंट्स, जीरो का सेगमेंट और पॉजिटिव सेगमेंट के बाद में. तो इस बिहाफ पे अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये इक्वेशन यहां से मैं स्टार्ट करता हूं. इक्वेशन 2 कैन बी रीअरेंज्ड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स सपोज माइनस इन्फिनिटी, तो उसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा एन इज इक्वल्स टू माइनस एन. एन का वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी. सो माइनस एन से लेके फर्स्ट लिमिट हम ले सकते हैं माइनस वन, दैट मीन्स इट कवर्स ऑल नेगेटिव सैंपल वैल्यूज. एक्स ऑफ एन इसी तरह से रखेंगे ई रेस टू माइनस जे, दिस टर्म विल बी एज इट इज. बाद में हम स्टार्ट करेंगे, अगर ये माइनस वन को एंड हो रहा है तो नेक्स्ट समेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो. सो जीरो से अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो अपर लिमिट डेफिनेटली हो जाएगा एन माइनस वन. वाई एन माइनस वन? एक सिंपल सा लॉजिक है. अगर मैं 10 डिजिट्स को कैलकुलेट करना चाहता हूँ या फिर ऐड करना चाहता हूँ और मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ तो 9 तक मैं काउंट करूंगा, तो टोटल डिजिट हो जाएगी 10, यानी कि 10 माइनस 1 हो जाएगा 9. सो द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू n माइनस 1. दैट टर्म एज इट इज एक्स ऑफ n इनटू एक्सपोनेंशियल, उसको हम उसी तरह से कंसिडर करेंगे, प्लस नेक्स्ट टर्म को भी लिखेंगे हम जो पॉजिटिव हो सकता है. और एक बार अब यहां पर देखिए ये n माइनस वन है, उसमें अगर 1m सैंपल ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा n, यानी कि स्टार्ट हो रहा है n से लेके अपर लिमिट अब हो जाएगा 2n माइनस वन. ये 2n माइनस वन क्यों? देखिए यहां पर n माइनस वन था, अब उसका नेक्स्ट लिमिट अगर हम n ऐड करते हैं तो हो जाएगा 2n माइनस वन और दिस टर्म विल बी एज इट इज. इसको मैं कंसिडर करूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी कि हमने दिए हुए एक्सप्रेशन को किस तरह से स्प्लिट किया है, नेगेटिव सैंपल वैल्यूज जीरो से लेकर अपर लिमिट तक और ऑल पॉजिटिव सीक्वेंस के बारे में. अब अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 3 को प्रॉपरली रीअरेंज करता हूं समेशंस के फॉर्म में तो मैं इसको लिख सकता हूं इज इक्वल टू. अब देखिए हम किस तरह से इसको लिखते हैं. आई एम टेकिंग वन टर्म एज एल विच हैज अ लिमिट फ्रॉम माइनस टू प्लस इन्फिनिटी. दिस वी आर कंसिडरिंग एल विच हैज अ लिमिट फ्रॉम माइनस टू प्लस इन्फिनिटी. अगर एल माइनस टू प्लस इन्फिनिटी हम लेते हैं तो इस समेशन टर्म की अगर हम बात करते हैं तो मैं इसको एल के फॉर्म में लिख सकता हूं जिस तरह से एन इज इक्वल टू एल एन. अब देखिए अगर मैं एल को जीरो कंसिडर करता हूं, आई एम अज्यूमिंग एल एज जीरो, तो जीरो इंटू एन हो जाएगा जीरो, यानी कि दिस पर्टिकुलर समेशन वैल्यू हमें मिल सकता है. अगर ये एल इज इक्वल टू एल एन है तो इसका अपर लिमिट भी हमें लिखना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा एल प्लस वन इंटू एन माइनस वन. अब ये कहां से आया? तो देखिए यहां पर जो टर्म दिया हुआ है वो है हमारे पास n माइनस वन का. अगर ये n माइनस वन का टर्म है, हम कितना सैंपल्स ऐड करें उसमें l प्लस वन,
Why L plus 1? Because it is starting from 0, so definitely it should have to be added with L plus 1. अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा देखिए एल एन प्लस एल माइनस वन, और मैं अगर इसका एन का वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो ये हो जाएगा एन माइनस वन के फॉर्म में. सो बिहेव ऑफ दैट, अब देखिए जीरो का भी हम इक्वेशन लगते हैं, यहाँ पर अगर एल जीरो रखा तो ये हो जाएगा जीरो, वैसे अपर लिमिट में हम जीरो रखते हैं तो जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन तो हो जाएगा वन, वन इन टू एनीथिंग तो हो जाएगा एन माइनस वन, यानी कि ये इक्वेशन हम रिस्टोर कर सकते हैं. उसी तरह से अगर मैं बात यहाँ पर करता हूँ, एल को मैंने माइनस वन लिया तो ये हो जाएगा माइनस एन, और अपर लिमिट देखिए दिस इज माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो इन टू एनीथिंग जीरो, तो ये टर्म हो जाएगा जीरो और रह गया हमारे पास माइनस वन, तो ये टर्म आ जाएगा, यानी कि द सेम इक्वेशन को हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ डबल समेशन. और रिमेनिंग टर्म्स तो एज इट इज हम रखेंगे, एक्स ऑफ एन को ऐसे लिखेंगे दिस इज ई रेस टू माइनस जे टू पाई बाई एन इन टू एन, इसको मैं कंसिडर करता हूँ इक्वेशन नंबर फोर. आई होप यू आर अंडरस्टूड द कंसेप्ट दैट वी आर सिंपली रीअरेंज द इक्वेशन. अब इस बिहाफ पे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसके लिए मैं टर्म जो है उसको अब कंसिडर करता हूँ, लेट उस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रियलाइज करेंगे. लेट n इज इक्वल टू एल एन इज इक्वल्स टू m, मैं यहां पर कंसिडर कर रहा हूं, कहां से कंसिडर कर रहा हूं आप देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है n इज इक्वल्स टू एल एन, जो लोअर लिमिट है उसको हमने कंसिडर किया है इज इक्वल्स टू m. अब देखिए n इज इक्वल्स टू एल एन है तो डेफिनेटली l माइनस एल एन बिकम्स इक्वल्स टू m एंड दैट बिकम्स इक्वल्स टू वट जीरो, क्योंकि किसी भी टर्म को हम इक्वेट करते हैं तो उनको दोनों का डिफरेंस डेफिनेटली कितना आ जाएगा जीरो, जैसे कि वन इज इक्वल्स टू वन, अब वन माइनस वन तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा जीरो, उसी तरह से हम लोअर लिमिट को क्या कंसिडर कर सकते हैं जीरो. अब हम बात करते हैं अपर लिमिट के बारे में, अगर हम बात करते हैं अपर लिमिट के बारे में तो मैं कुछ इस तरह से इस टर्म को लिख सकता हूँ जो हमारे पास अवेलेबल है. अपर लिमिट हमारे पास है एन इज इक्वल्स टू एल प्लस वन इन टू एन माइनस वन. अब मैं n को इन टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन लिखता हूँ, n माइनस एल एन इज इक्वल्स टू एम हो जाएगा, तो मैं n को m वेरिएबल और एल एन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा m प्लस एल एन. तो अगर मैं यहाँ पर ये सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये हो जाएगा m प्लस एल एन इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एल एन प्लस एन माइनस वन. अब देखिए ये जो एल एन है एल एन है कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो अपर नोट है हो जाएगा एन माइनस वन. अब देखिए लोअर लिमिट कितना आया था हमारे पास जीरो, अपर लिमिट हो गया एन माइनस वन, यानी कि इक्वेशन तो वैलिड हो रहा है. अब हम इस टर्म को इक्वेशन के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास जो इक्वेशन था उसी इक्वेशन को आप देख सकते हैं, दिस टर्म एज इट इज उसका हमने खाली जीरो से एन माइनस वन तक लिखा है, और एन को हम रिप्लेस कर सकते हैं एम माइनस एल एन से. आप देख सकते हैं एन इज इक्वल टू एल एन इक्वल टू एम है तो हम यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं. अब अगर मैं इस इक्वेशन को या फिर इस सिग्नल को केयरफुली ऑब्जर्व करता हूँ तो ये कुछ पीरियडिक सिग्नल के फॉर्म में दिख रहा है. व्हाई? द बेसिक रीजन इज ह्यू, अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं या फिर इस सिक्वेंस को देखते हैं, जीरो वन टू थ्री सैंपल्स है, एम्पलीट्यूड वन है और ये एक नॉन पीरियडिक सिग्नल है. अगर मैं इस सिक्वेंस में नंबर ऑफ सैंपल्स ऐड करता हूँ, जैसे कि 0 प्लस 4 तो ये रिपीट कर रहा है 4 पे, सिमिलरली 1 प्लस 4 5 पे और 6 पे, दैट मीन्स इफ वी शिफ्ट द गिवन सीक्वेंस विथ रेफरेंस टू नंबर ऑफ सैंपल्स इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पीरियडिक सिग्नल. तो उसी भी हफ पे अगर हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को रियलाइज करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा पीरियडिक सिग्नल ओवर द लिमिट माइनस टू प्लस इनफिनिटी, यानी कि मैं इस सीक्वेंस को लिख सकता हूं. अब यहां पर मैं लिखूंगा एक्स ऑफ टू पाई बाय एन इन टू के, दिस इज समेशन फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन, और ये हो जाएगा हमारा पीरियडिक सिग्नल जिसको मैं लिखूंगा एक्स पी ऑफ एन, पी स्टैंड्स फॉर पीरियडिक, और एक्सपोनेंशियल टर्म इसको इसी तरह से लिखेंगे ई रेस टू माइनस जे टू पाई बाय एन इन टू के एन. अब इसको हम इक्वेशन करेंगे इक्वेशन नंबर. अब देखिए हमारे पास ऑलरेडी पीरियडिक सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल है, वी नो दैट इफ अ सिग्नल इज पीरियडिक इन नेचर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट, यानी कि
एक्सपी ऑफ एन को हम लिखेंगे फोरियर सीरीज के फॉर्म में, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन पीरियोडिक फंक्शन का एक्सपी एन इज इक्वल टू समेशन के जीरो टू एन माइनस वन। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन का, तो ये हो जाएगा फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट सी के इनटू एक्सपोनेंशियल टर्म ई रेज टू जे टू पाई बाय एन के एन। इक्वेशन नंबर सिक्स लिखेंगे। सिमिलरली फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट का भी फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट सी के एज वन बाय एन लिमिट एन जीरो टू एन माइनस वन। अब ये पीरियडिक सिग्नल जो दिया हुआ है एक्सपी ऑफ एन को लिखेंगे और ये एक्सपोनेंशियल टर्म हो जाएगा कुछ निगेटिव। ये सब टर्म्स हमने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, सो यू कैन गो एंड चेक द वीडियोस अवेलेबल इन सिग्नल एंड सिस्टम सीरीज। ये इक्वेशन नंबर सेवन है और इक्वेशन नंबर फाइव है। अगर हम इस दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, अब देखिए सिमिलरिटीज आर देयर, पीरियडिक सिग्नल इज देयर और एक्सपोनेंशियल टर्म भी निगेटिव है, सो कंपेयरिंग हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फाइव एंड सेवन क्या हो जाएगा। दिस टर्म हम लिख सकते हैं तो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आप देख सकते हैं फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट सी के को हम लिखेंगे वन बाय एन एंड इंस्टेड ऑफ दिस एंटायर समेशन वी कैन राइट एक्स ऑफ टू पाई बाय एन इनटू के। तो ये हो जाएगा हमारा फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। अब हम इस फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट को इक्वेशन नंबर सिक्स में पुट करते हैं सो दैट वील गेट द रिप्रेजेंटेशन फॉर पीरियडिक फंक्शन। तो ये इक्वेशन हो सकता है, मैं इसी को रेफरेंस ले रहा हूं, इक्वेशन हो सकता है एक्स पी ऑफ एन पीरियडिक सिग्नल रिप्रेजेंटेशन बिकम्स इक्वल्स टू समेशन के जीरो टू एन माइनस वन और सी के जो हमारे पास आए वो हम लिखेंगे वन बाय एन इंटू एक्स ऑफ टू पाई बाय एन इंटू के इंटू एक्सपोनेंशियल टर्म वो एज इट इज रहेगा टू पाई बाय एन के इंटू एन के फॉर्म में। अब इसको हम थोड़ा सा रियलाइज करेंगे प्रॉपर वे में, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा दिस बिकम्स वन अपॉन एन दिस इज समेशन के जीरो टू एन माइनस वन एक्स ऑफ टू पाई बाय एन इंटू के एंड आर एक्सपोनेंशियल टर्म विल रिमेन्स एज इट इज, जिसको हम लिखेंगे दिस फॉर्म में। ये है हमारा पीरियडिक सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए इन फर्स्ट स्टेप अगर आपको याद हो सकता है, यहां पर हमने जो नॉन पीरियडिक फंक्शन लिया था उसको सैंपल्ड किया था ओवर द रेंज 0 टू 2 पाई एंड इट हैज टेकन एज 2 पाई बाय एन। अब अगर हमें उसी सिग्नल को डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिखना है तो हम उसको लिख सकते हैं एज दिस एंटायर टर्म एक्स ऑफ 2 पाई बाय एन इंटू के कैन बी रिटन एज एक्स ऑफ के ओनली। इक्विडिस्टेंस सैंपल्स हैविंग इक्वली स्पेस्ड ओवर द रेंज 0 टू एन माइनस 1 को। तो ये टर्म जो पीरियडिक था अब हो जाएगा नॉन पीरियडिक सिग्नल, यानी कि हम इसको लिखेंगे अब एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 बाई एन समेशन का टर्म एज इट इज 0 टू एन माइनस 1 एंड इंस्टेड ऑफ दिस नाउ वी हैव द सैंपल टर्म एज एक्स ऑफ के इंटू एक्सपोनेंशियल टर्म को भी इसी तरह से लिखेंगे 2 पाई बाय एन के इंटू एन। तो ये हो जाएगा वन इक्वेशन एंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज बेसिकली नोन एज इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये हो जाएगा इक्वेशन फॉर व्हाट, इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये इक्वेशन अगर इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का है तो इसी रेफरेंस पे हम डीएफटी के बाद भी इक्वेशन लिख सकते हैं किस तरह से। अब देखिए एक्स ऑफ के इनपुट आ गया और एक्स ऑफ एन आउटपुट पे आ गया, तो हम लिखेंगे एक्स ऑफ एन का आईडीएफटी एक्स ऑफ के, तो एक्स ऑफ के का डीएफटी हो सकता है एक्स ऑफ एन। तो इसी भी पे हम इक्वेशन लिखेंगे अभी एक्स ऑफ के बिकम्स इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स ऑफ एन। अब यहां पर एन वेरिएबल है तो ये हो जाएगा एन जीरो टू एन माइनस वन एंड हियर इट इज पॉजिटिव, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म हो जाएगा निगेटिव, सो वील गेट दिस एज ई रेज टू माइनस जे टू पाई बाय एन के इंटू एन। सो दिस बिकम्स आर इक्वेशन फॉर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो वी गॉट
a set of equations as IDFT and DFT. और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें हम अगर कंसिडर करते हैं, दिस इज फॉर फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1. सो दिस इज गोइंग टू बी आर नोटेशन. अब इस नोटेशन पे हम एक कंक्लूडिंग पॉइंट ले सकते हैं. इफ वी हैव एन इनपुट सीक्वेंस एज एक्स ऑफ एन हुज डीएफटी बिकम्स व्हाट एक्स ऑफ के. सिमिलरली इफ वी हैव एक्स ऑफ के एट द इनपुट साइड its IDFT will be x of n. Yeah. So this is all about discrete Fourier transform. अब next video में हम बात करेंगे what actually the difference between DTFT and DFT. If you understood this concept और अगर आपको ये video अच्छा लगता है तो please हमारे channel को subscribe कीजिए और comment करना मत भूलिए. Thank you very much.